केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुनते हैं। सीएम विधानसभा में आते हैं ना, आते हैं ना जवाब देते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा जी, ये राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री ही अपने मुख्यमंत्री से सवाल खड़े करते हैं। एक मंत्री तो ये हैं जिन्होंने हिम्मत करके महिला अपराध पर कोई बात कही, दूसरे मंत्री जिनको उन्होंने शह दे रखी है और संरक्षण दे रखा है सोनिया जी राहुल जी के आदेश पर, जिनको बचाने का काम किया है अशोक गहलोत जी ने, वो शांति धारीवाल जी क्या कहते हैं। जब महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, अपराध की घटना ही, तो उन्होंने कहा ये मर्दों का प्रदेश है, और पूरे कांग्रेसी ठहाका मार के हंसते हैं मंत्री और विधायक और मजाक उड़ाते हैं। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, इस पे कोई जवाब नहीं देगा क्या कांग्रेस पार्टी का? मल्लिका और खड़गे जी से मैं कहता हूं, और मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मैं तो यूपी चुनाव में जब सह प्रभारी था तो प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें करती थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं, बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं, लड़की हूं राजस्थान नहीं जा सकती हूं, और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहके उनका इस्तीफा करवा सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। शांति धारीवाल ये कहे मर्दों का प्रदेश है तो ठाके माके हंस लेना, बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए लड़ सकती हूं। अरे राजस्थान में आपराधिक घटनाएं महिलाओं पर कौन कौन सी हुई जरा एक बार सोचिए तो सही। मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूरी पर वैशाली नगर में एक बच्चे के सामने उसकी मां की इज्जत लूटी जाती है, उसको मरने पर मजबूर किया जाता है। करौली में युवती का अपहरण करके, गैंग रेप करके गोली मारी जाती है, एसिड गिराया जाता है, फिर कुएं में डुबा दिया जाता है। दौसा में आदिवासी महिला का अपहरण करके, गैंग रेप करके, एसिड डाल के उसकी भी हत्या कर दी जाती है। उदयपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद 8 टुकड़े करके फेंक दिया जाता है जंगल में। बीकानेर के खाजूवाला में 2 पुलिस वाले शामिल होते हैं बलात्कार में, लेकिन गिरफ्तारी पहले दिन नहीं होती, सीसीटीवी कैमरा में है, तब भी उसके बावजूद। जोधपुर में जिसको भाई जैसा माना था, ऐसे 3 लोगों ने, दरिंदे कहूंगा मैं तो, जिन्होंने दुष्कर्म करने का काम किया, और ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। अरे मुख्यमंत्री तो सोए हैं, लेकिन जो लड़की है लड़ सकती हूं वो कहां है? जो बॉर्डर से चले गई करौली के पास से, लेकिन वहां नहीं जाने का दम भर पाई जहां करौली में दलित युवती के साथ गैंग रेप करके एसिड टैंक के उसको मार दिया जाता है। दलित हो, युवती हो, महिला हो, इनके खिलाफ राजस्थान नंबर 1 अपराध की दृष्टि से, महिला अपराध की दृष्टि से बना है। बंगाल भी पीछे नहीं है। बंगाल में चुनाव में बम और हत्या, बैलेट से ज्यादा बम की घटनाएं सुनने को मिली। हत्या के मामले, हत्या और हिंसा के मामले रास्ते, सत्ता हथियाने का काम किया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी जी, न जाने आपके दिल में। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आपने सुना, लेकिन इस बीच